दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शिवम चतुर्वेदी और आप सभी लोग देख रहे हैं हिंद वॉइस चैनल। दोस्तों आज बात की जाएगी मज़दूरों की, उन गरीब मज़दूरों की जिनके पास ना तो इस समय पे खाने के लिए खाना है और ना ही रहने के लिए घर है। पूरा विश्व कोरोना वायरस की चपेट में ग्रसित हो चुका है और हमारे देश की भी जो हालत है वह अभी काफ़ी नाजुक दिखाई पड़ रही है। ऐसे में पूरे देश में कोरोना वायरस की जंग से लड़ने के लिए 21 दिन का लॉकडाउन किया गया, तो इस लॉकडाउन से गरीब मज़दूरों पे क्या उनकी हालात क्या हो जाती है, उन पे क्या इसका असर पड़ता है, इसी चीज़ पे चर्चा करने के लिए आज यह वीडियो बन रहा है दोस्तों। तो दोस्तों सीधी सीधी अगर बात मैं ये करूं कि कोरोना वायरस से होने इस कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हुआ इससे गरीब मज़दूरों को क्या फ़ायदे हो रहे हैं, तो ये दोस्तों ये बात बेजा ही होगी, क्योंकि कोरोना वायरस के लिए जो लॉकडाउन हुआ हमारे देश में, इस लॉकडाउन की वजह से शायद हम कोरोना वायरस से जुड़ी जंग तो जीत जाएं, लेकिन इसका खासा खामियाजा गरीब और मज़दूरों को उठाना पड़ रहा है। दोस्तों आए दिन खबरें आती रहती हैं कि कहीं पे गरीब मज़दूर हैं, उनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, वो सड़कों पे निकल रहे हैं, सड़कों पे टहल रहे हैं, सरकार से आह्वान कर रहे हैं कि उनको खाना मुहैया कराया जाए। चाहे वो बात हो लाखों प्रवासी जो सूरत में फंसे हुए हैं, जहां से आए दिन खबरें आती रहती हैं कि वहां पे खाना की आपूर्ति हो रही है, चाहे वो बात दिल्ली की हो जहां पे लाखों यूपी बिहार के मज़दूर यहां पे अभी भी फंसे हुए हैं और जिनके ऊपर ये संकट मंडरा रहा है कि कल उनको खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। खाना उन बहुत सारे लोगों को मिल भी रहा है लेकिन खाना वो अपूर्त है और खाना खाने लायक भी बहुत जगह पर नहीं है। तो दोस्तों ऐसे में सरकार क्या कर रही है इन मज़दूरों के लिए, ये सोचने वाली और ये बहुत ही जटिल मुद्दा है। तो ये लोग बड़े परेशान हैं और बहुत दुखी हैं और अपनी दुख की फरियाद लेके कहाँ पे जाएं, इन लोगों के लिए कोई भी रास्ता नहीं बचा हुआ है, ना तो इनका प्रशासन सुन रहा है ना ही इनकी वहाँ पे तत्कालीन जो सरकार है वो सुन रही है। दोस्तों इसी से जुड़ा हुआ एक सर्वे है, उसको मैं आप सब लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हाल में ही ये सर्वे आया है जिसमें ये कहा गया है कि पिछले 3 हफ्ते में 90% मज़दूरों ने अपनी आय का स्रोत खो चुके हैं। वहीं सरकार से जुड़े होते हैं उन मज़दूरों को मुआवजा देने की बात की गई है सरकार गवर्नमेंट ने, उसमें भी 94% जो मज़दूर हैं वो इस फ़ायदे से मुआवजे से वंचित रह जाएंगे। उसका क्या कारण है दोस्तों, क्योंकि उनके पास श्रमिक पहचान पत्र नहीं है, इस वजह से वो इस फायदे से वंचित रह जाएंगे। तो ये एक बहुत ही संवेदनशील सर्वे है दोस्तों। टोटल जो संख्या है वहाँ मज़दूरों की जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं उनकी संख्या है 5.5 करोड़, जिसमें से 5.1 करोड़ मज़दूर जो मुआवजा है उससे वंचित रह जाएंगे। अगला जो सर्वे के अनुसार में ये कहा जाता है कि 17% ऐसे लोग हैं जिनके पास बैंक खाता ही नहीं है। अगर किसी के पास बैंक खाता नहीं है तो उनको मुआवजा कैसे मिलेगा, सरकार इस विषय में अभी तक अपनी कोई राय स्पष्ट नहीं की है। तो ये खासा चिंता की विषय है, तो क्योंकि सरकार क्या करती है कि वो जो मुआवजा होता है बैंक अकाउंट में ही भेजती है, तो बैंक अकाउंट में अगर वो भेज रही है जिन लोगों के पास, जिन मज़दूरों के पास, जिन गरीबों के पास बैंक अकाउंट नहीं है उनका क्या होगा, सरकार का इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं है। साथ ही साथ सर्वे में ये सबसे बड़ी चौंकाने वाली और बहुत ही गंभीर बात है कि 42% मज़दूरों के पास अब ना तो खाने के लिए कुछ बचा है ना तो उनको रहने की पूरी व्यवस्था है। वो दिन आए दिन लंगरों में यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, कभी उनका पेट पल जाता है तो कभी उनको खासा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पिछले कुछ हफ्तों से बहुत सारे वीडियोस कॉन्फ्रेंसिंग किए, बहुत सारे वीडियो संदेश भेजे, खुद लाइव आए और बहुत सारे ट्वीट किए, लेकिन उनके ट्वीट में कहीं पे भी गरीब मज़दूरों की, गरीबों का कोई जिक्र नहीं मिल रहा। उन गरीबों के लिए, मज़दूरों के लिए उनके पास क्या विज़न है, क्या प्लान है, इसका कोई भी जिक्र उन्होंने नहीं किया।
उन्होंने तालियां बजवाई, उन्होंने थालियां बजवाई, उन्होंने दिया जलवाए, पूरे देश ने उसको किया भी, पूरे देश ने उसका सम्मान किया, पूरे देश ने उनका समर्थन किया, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई ठोस कदम गरीब मजदूरों के लिए और जो प्रवासी फंसे हुए हैं अन्य राज्यों में उनके लिए कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया। जो वहाँ की स्थानीय सरकारें हैं, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, यूपी की सरकार हो, बंगाल की सरकार हो और जो अन्य सरकारें हैं, सूरत की सरकार हो, वो सरकारें वहाँ पे स्थानीय मुद्दों को देखते हुए काम कर रही हैं जो कि पूर्ण नहीं है। इन चीज़ों को बढ़ाने की आवश्यकता है, केंद्र सरकार की मदद की आवश्यकता है। अब ऐसे में आगे क्या होता है, मैं आप लोग के सामने अपडेट लेके आता रहूँगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में क्या विचार आता है, क्या लगता है आपको, इनकी समस्या का समाधान हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इसको कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।